हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के मेरे चैनल द डेली स्टडी कलम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूँगा थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के जो एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं नवंबर दिसंबर में, वो एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट करवाए जाएंगे या ऑफलाइन मोड कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो बहुत से बच्चों के मन में डाउट बना हुआ है कि हमारे नवंबर दिसंबर में जो एग्ज़ाम होंगे वो ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। तो पहले तो देखिए दोस्तों, जो हमारी अभी सिचुएशन है, सिचुएशन को देखते हुए इस टाइम अगर हमारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएँ तो फिजिकल मोड एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकते हैं और 2-2.5 महीने बाद हमारे थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम कंडक्ट होने हैं। तो उस टाइम दोस्तों सिचुएशन देखी जाएगी कि कैसी सिचुएशन है, एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट करवाए जाएं या फिजिकल मोड कंडक्ट करवाए जाएं। ये दोस्तों मैं अभी प्रॉपर तरीके से नहीं बता सकता हूं अभी भी आपको कि आगे आने वाले टाइम में कि एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट होंगे या ऑफलाइन कंडक्ट होंगे। सिचुएशन को देखते हुए ही आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे ऑनलाइन मोड या फिजिकल मोड। अगर अब भी देखा जाए तो फिजिकल मोड एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकते हैं और आपके स्कूल और कॉलेज भी धीरे धीरे टर्म वाइज खोले जा रहे हैं। एक दिन खुल रहा है और एक दिन नहीं खुल रहा है, तो इस हिसाब से स्कूल और कॉलेज खोले जा रहे हैं। उस टाइम सिचुएशन देखी जाएगी कि हमारे एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो एग्ज़ाम है आपके ऑनलाइन कंडक्ट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, जहाँ तक बन रहे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों थर्ड वेव की जो दोस्तों चर्चा चल रही है कि थर्ड वेव आने वाली है, आ सकती है, तो थर्ड वेव की अफवाह चल रही है कि थर्ड वेव आ सकती है। तो इसीलिए दोस्तों इसी को सोचते हुए आपके एग्ज़ाम भी ऑनलाइन कंडक्ट हो सकते हैं। 2-2.5 महीना रह गया, ज़्यादा दिन नहीं रह गए, तो आपके एग्ज़ाम में ऑनलाइन मोड भी कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। और बच्चों को भी दोस्तों आदत सी लग गई है कि हमारे जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड ही कंडक्ट करवाए जाएं। तो जो बाहर बच्चे रहते हैं उन्हें भी इजी लगता है और जो SOL के ओपन से दिल्ली में रहते हैं उन्हें भी दोस्तों इजी लगता है कि घर से बैठ के ऑनलाइन एग्ज़ाम हम दे सकते हैं, फिजिकल मोड एग्ज़ाम जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर अब भी हमारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएँ और बच्चों से पूछा जाए कि आप एग्ज़ाम ऑनलाइन देना चाहोगे या फिजिकल मोड देना चाहोगे, तो ज़्यादातर बच्चे ही बोलेंगे कि हम ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चों को आदत सी हो गई है कि अब एग्जाम ऑनलाइन ही कंडक्ट करवा लिए जाए। और ये सही है दोस्तों, जो बाहर रहते हैं वो भी एग्ज़ाम अपने ऑनलाइन कंडक्ट करवा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट करवाए जाएंगे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, अगर फिजिकल मोड होंगे तो उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो वैसे ज़्यादातर चांसेस यही है कि आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड ही कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो ईजी है ये भी दोस्तों, काफ़ी बच्चे एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। फिजिकल मोड में दोस्तों क्या है कि बाहर से कोई बच्चा आता है तो नहीं शामिल हो पाता है, तो इस तरह से बहुत से बच्चों को दिक्कतें भी होती हैं। बट ऑनलाइन में बच्चा बाहर बैठ के भी अपने एग्ज़ाम दे सकता है, तो इजी है बच्चों के लिए। और आगे आने वाले टाइम में भी देखा जाएगा कि एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, जैसे जो आपके थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे इसके बाद भी देखा जाएगा कि एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट करवा सकते हैं या नहीं कंडक्ट करवा सकते हैं। तो अभी के लिए तो दोस्तों इतना ही है, अभी के लिए मैं कुछ नहीं बता सकता कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। सिचुएशन के अनुसार देखा जाए तो एग्ज़ाम आपके फिजिकल मोड भी कंडक्ट हो सकते हैं और थर्ड वेव की जो चर्चा चल रही है उसको देखते हुए आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकते हैं। तो अभी कहना ये मुश्किल है मेरे लिए कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे या फिजिकल मोड होंगे। वैसे 60% से 70% चांसेस यही हैं कि एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड ही कंडक्ट होंगे। जो भी होगा अपडेट, आप चैनल के साथ बने रहना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगी, जो भी अपडेट होगी आपको पहले मिल जाएगी। बस चैनल सब्सक्राइब करके रखना। थैंक